अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि देश में जो भी धर्म है, जो भी जाति है, जो भी वर्ग के लोग हैं, उन सब के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था है। उत्तराखंड का एक वर्ग ऐसा है जो आज थका हुआ महसूस कर रहा है। इवन हमारे यहाँ तो गढ़वाल कुमाऊँ करके हम एक ही पहाड़ी राज्य हैं, लेकिन गढ़वाल कुमाऊँ का जो एक मैं देखता हूँ जो गैप है ना, वो भी कहीं ना कहीं हमारी राजनीति को प्रभावित कर रहा है। कि मतलब गढ़वाल वाला नेता है तो हम बड़े हैं, कुमाऊँ वाला है तो हम बड़े हैं। मैंने अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं पहले हो गई हैं, राज्य की इच्छाएं सेकेंडरी चीज़ हो गई हैं। UKT ने जो एक नेतृत्व को संकट आया, जो वित्तीय संकट आया, जो जनाधार खोते गया, उसकी वजह से स्थिति ऐसी हो गई कि इस बार की विधानसभा में तो शायद कोई सीट भी नहीं है। नहीं, ऐसी स्थिति हो गई है। हेलो व्यूअर्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे राजनीति शास्त्र की, राजनीति विज्ञान की, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर उमराव सिंह, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किच्छा उत्तराखंड में, और सर को जो है 15 साल से ऊपर का टीचिंग एक्सपीरियंस है पॉलिटिकल साइंस का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जैसे अभी हम बात थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, आज हम यहाँ पे बात करेंगे उत्तराखंड की राजनीति की, या फिर हम बात करेंगे आपका इंडिया रेस्पेक्ट में जो है राजनीति की, पॉलिटिकल की बात करेंगे। और इस समय जो आपका एक सबसे बड़ा मुद्दा है वो उत्तराखंड में आपका UCC का है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो है, तो थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि UCC एक्चुअल में है क्या, या कुछ लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। चलिए ठीक, धन्यवाद। पहले तो मैं आपका धन्यवाद चाहूँगा कि आपने ये मुझे गोल्डन चांस दिया। देखिए, जो ये UCC का जो एक नया मुद्दा बना है उत्तराखंड राज्य में, और हमारा जो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसका संवैधानिक पहलू है क्या। हमारा जो संविधान है उसमें जो संविधान का जो एक चौथा भाग है हमारा, वो है नीति निर्देशक सिद्धांत का, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये राज्य के लिए जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हैं, और UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता बोलते हैं जिसको, ये आता है हमारे अनुच्छेद 44 में। अब ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इसमें केवल राज्य के लिए एक कर्तव्य के रूप में शामिल किए गए, क्योंकि इनको न्यायिक संरक्षण नहीं मिला हुआ है। अच्छा। यानी 36 से 51 अनुच्छेद तो जो भी प्रावधान है उस पर न्यायिक संरक्षण नहीं है। ये राज्य के कर्तव्य के रूप में हमारे संविधान सभा के विशेषज्ञों द्वारा शामिल किया हुआ है। अब ये जो UCC है, हालांकि नीति निर्देशक सिद्धांत में सरकार ने इससे पहले भी और वर्तमान समय तक भी जितने भी प्रावधान हैं उस पर काफ़ी चीज़ें सुधार करे जा चुके हैं, तो अब क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संसदीय प्रणाली है, और संसदीय प्रणाली में हर सरकार चाहती है कि जो संवैधानिक प्रावधान हैं हम उनका इम्प्लीमेंटेशन करें, तो जो UCC है ये बताता है कि जो भारत में, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसमें सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी विविधता है, तो अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि देश में जो भी धर्म है, जो भी जाति है, जो भी वर्ग के लोग हैं, उन सब के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था हो, यानी एक अम्ब्रेला एक्ट जैसा कि जिसमें मतलब सभी धर्म शामिल हो सकें, सभी वर्ग। अब ये पहल वैसे तो केंद्र सरकार की तरफ से शुरू होती तो ज़्यादा अच्छा होता। अच्छा। लेकिन ये है कि हमारे राज्य ने इसको शुरू किया है, मैं उसके लिए अपने राज्य के शासन प्रशासन के अधिकारियों को इसके लिए धन्यवाद कहूँगा। इससे कई पहलू निकल के आते हैं कि मतलब भारत के समाज पे या उत्तराखंड के समाज में इस पे क्या प्रभाव पड़ सकते हैं आने वाले समय में। हालांकि ये यथार्थ रूप में अभी लागू नहीं हो पाया है, लेकिन इसका ड्राफ्टेड वगैरह सब हो चुका है, विधानसभा में भी सब कुछ हो चुका है, फरवरी में शायद। हाँ हाँ। तो अब इसमें क्या होगा कि जो आज हमारे देश में विभिन्न धर्म समुदायों के लिए अलग अलग कानून बने हुए हैं, हिंदू रिलीजन्स में अलग अलग मैरिज एक्ट बने हुए हैं, उत्तराधिकार अधिनियम बने हुए हैं, और सभी प्रकार की जो हमारे यहाँ प्रथाएं परंपराएं हैं ऐसी, इस्लाम धर्म में भी अलग अलग उनके मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ के तहत उनके अलग अलग धार्मिक कानून वगैरह बने हुए हैं,
क्योंकि जब कानून का जो विषय आता है उसमें एक रिलीजियस लॉ का सब्जेक्ट भी है, धार्मिक विषय करके, तो अब उसके तहत न्यायालय जो होता है, जो भी परिवार से रिलेटेड, शादी विवाह से रिलेटेड, पारिवारिक झगड़े से रिलेटेड, उत्तराधिकार से रिलेटेड जो भी इस तरह के विवाद होते हैं, उनको उसी धार्मिक संहिताओं के अधीन जो है उसका निर्णय किया जाता है। लेकिन अगर संपूर्ण देश में एक समान कानून बन जाता है कि विवाह के लिए यह है, बहु विवाह के लिए यह है, बाल विवाह के लिए यह है, उत्तराधिकार के लिए यह है, तो ये नियम सब बन जाएंगे, तो उसके बाद सभी के लिए यह मान्य होगा और वो न्यायालय के लिए भी और आने वाले भविष्य के लिए भी एक आधार बन जाएगा। अब इससे ये जो प्रगति हो सकती है, इससे सामाजिक समानता का जो भाव है वो स्थापित हो सकता है हमारे राज्य में। हालांकि हमारा राज्य बहुत छोटा राज्य है और हमारे राज्य में हिंदू बहुल जनसंख्या ज़्यादा है, अन्य धर्म जो हैं एक अल्पसंख्यक के रूप में उगरा करके हैं, तो आने वाले समय में हो सकता है कि ये जो अन्य अन्य धर्मों में जो विभिन्न परिस्थितियों को लेकर, जैसे शादी ब्याह और जैसे बहुत से लोग छुपा के पति पत्नी रहते हैं, आजकल एक मॉडर्न कल्चर भी डेवलप हो रहा है जिसको हम लोग लिव इन रिलेशंस वगैरह कहते हैं, और LGBT का चल रहा है, तो कई इश्यूज हैं जो समाज कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है कानून। हाँ, अब इसमें जो मैं कुछ समय पहले पढ़ रहा था, इसका प्रावधान जब यह लागू हो रहा था तो उसमें यह पढ़ रहा था कि इसमें लिव इन रिलेशंस को भी कानूनी मान्यता दी जा रही है, बट उसके लिए पहले पंजीकरण कराना होगा और लिव इन रिलेशन से जन्मे हुए बच्चे को कानूनी संरक्षण दिया जाएगा, ये चीज़ें बताई जा रही हैं उसमें। तो यानी हमारा जो उत्तराखंड राज्य है उसमें एक तरफ से अगर कानूनी मान्यता मिल जाती है तो ये समझ लो कि एक तरफ से वह वैधानिक रूप से मान्य है वह। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे उत्तराखंड राज्य में अभी इस तरह के कल्चर को कानूनी मान्यता देने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमारा राज्य एक कहीं ना कहीं जो परंपरागत संस्कृति है उत्तराखंड की उसी को फॉलो करते हुए चल रहा है। अब कल के दिन मान्यता मिल जाती है तो जो हमारा जो पश्चिमीकरण हो रहा है वो ज़्यादा तेज़ी से होने लग जाएगा यहाँ पर। और दूसरी चीज़ है कि जो विवाह के लिए जो आयु सीमा रखी जा रही है विवाह करने की, जैसे हर धर्म में बाल विवाह वगैरह होते हैं, ये इस पर एक बैन लग जाएगा। और जो ये तलाक होते हैं या जो बहु विवाह चलते हैं वो चीज़ें भी काफ़ी हद तक रुक जाएंगे। उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो धार्मिक आधार पर जो प्रताड़ना होती है अलग अलग धर्मों में, चाहे महिलाओं के साथ हो चाहे बच्चों के साथ हो, वो काफ़ी हद तक रुक जाएगा। अच्छा, तो मेरा मानना है कि यह एक अच्छी पहल है। ठीक है सर, लेकिन अब थोड़ा सा इसको अगर हम राजनीति से जोड़ें तो कुछ लोग जो हैं इसका जो है प्रमुख रूप से विरोध कर रहे हैं, तो उन लोगों के मतलब पीछे मंशा क्या होगी, प्योर राजनीति ही है कि कुछ और भी है? देखिए, राजनीति का नाम ही विवाद या संघर्ष है। ठीक है, कोई भी सामाजिक मुद्दा होता है या कोई भी सामाजिक परिघटना होती है तो उसमें राजनीति होना लाजमी है, और हर समस्या हर पहलू के या हर विषय के दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष होता है एक विपक्ष होता है। पक्ष वाले का क्या है कि वो उसके आधार पर अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश करता है। विपक्ष का क्या होता है कि वो जो एक पक्ष है जो इसे सहमत नहीं है उसको भी आगे लेकर उनके आधार पर जनाधार बनाने की कोशिश करता है। तो ये पक्ष विपक्ष तो हर मुद्दे पे चलते हैं। जब संविधान लागू हुआ था संविधान में बहस चलती तब भी पक्ष विपक्ष थे। लागू होने के बाद जो कई नीतियां लागू हुई इंडिया के अंदर, चाहे वो आपका राष्ट्रीयकरण का मुद्दा हो, चाहे समाजवाद पंथ निरपेक्षता लाने का विवाद हो, वो तो तब भी हुए थे। तो इसलिए अब ये पक्ष विपक्ष होना भी अच्छी बात है, एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा का पता चलता है, लोकतंत्र यही है। हाँ, उसमें तर्कवादी सोच भी विकसित होती है, तो ये लोकतंत्र की खूबी है कि इसमें आप अपने विचार रखिए। जी, बहुत बढ़िया सर, ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छा समझा आपने, बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे जैसे आपने भी नेतृत्व की बात की, और अगर हम नेतृत्व में देखें, यहाँ पे हमने 24 सालों में बहुत सारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हमने देख लिए। एक जो है हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री आपके थे नारद तिवारी जी जो है, वो ही आपका जो है 5 साल कम्प्लीट कर चुके थे, तो इसके पीछे आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, जो नेता लोग हैं उनको कि जो ये जनता है उनको? बिल्कुल सही, अच्छा प्रश्न है आपका।
देखिए, उत्तराखंड का ये सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, हमने लगभग 25 साल होने वाले हैं उत्तराखंड राज्य को बने हुए। इन 25 सालों में हमने पांचवी विधानसभा कार्यरत है आजकल। इन पांच विधानसभाओं में हमने व्यक्तिगत रूप से 10 या 11 मुख्यमंत्री देख लिए। राजनीति में कोई भी राजनीतिक रूप से अगर हमें विकास करना है तो सबसे पहले चीज़ वही होती है, राजनीतिक स्थिरता। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है नीति निर्माण में या पॉलिसी प्रोसेसिंग में। अब हमारे राज्य में विडंबना ये रही कि जो मुझे लगता है, मैं अपना व्यक्तिगत विचार कह रहा हूँ, ये तो राजनीतिक अवसरवादिता ज़्यादा हावी है उत्तराखंड में। राजनीतिक अवसरवादिता इतनी ज़्यादा है कि हर कोई एक दूसरे के अपने ऊपर एक दूसरे को हावी नहीं होने देना चाहता है। हर कोई एक दूसरे राजनीति कर रहा है। हाँ, हर कोई चाहता है कि मैं ही विधायक बनूँ, मैं ही मुख्यमंत्री बनूँ। इससे क्या हो रहा है कि जो राजनीतिक अस्थिरता बनी है हमारे यहाँ, जबकि गवर्नमेंट बनी, एक ही गवर्नमेंट में दो दो तीन तीन मुख्यमंत्री बनने की परंपरा जैसी बनने लग गई। अब आप जब लीडर को बदल दोगे, जो पहले से सोच रखा था, उसने प्लान बनाया था या जो पहले से प्रोसेसिंग में चली आ रही थी, एकदम वो बदल जाता, दूसरा उसके बाद वो अपने तरीके से करेगा, अब वो भी बदल गया, तीसरा वाला अपनी जगह से करेगा। इससे क्या होता है कि एक फॉलो नहीं बन पाता। तो सबसे बड़ी कमी क्या है कि अगर राजनीतिक अवसरवादिता ख़त्म हो और उत्तराखंड के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए या सतत विकास की बात करूँगा मैं, अगर उसके लिए काम करना है तो सबसे पहले ये होगा कि सबको अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति जागृत करनी पड़े। जब तक विल पावर डेवलप नहीं होगी वो कभी नहीं हो सकता। और लेकिन विल पावर सेकेंडरी चीज़ हो गई है, अवसरवादिता पहले आ गई है। यानी अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं पहले हो गई हैं, राज्य की इच्छाएं सेकेंडरी चीज़ हो गई हैं। और दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम में या आम समाज में एक बहुत संस्कृति का निर्माण हो रहा है उत्तराखंड में। एक जो मल्टीकल्चर डेवलप हो रहा है कि विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न बोलियाँ, विभिन्न क्षेत्र। इवन हमारे यहाँ तो गढ़वाल कुमाऊँ करके, हम एक ही पहाड़ी राज्य हैं, लेकिन गढ़वाल कुमाऊँ का जो एक मैं देखता हूँ डिफरेंस है, वो बहुत के काल से ही है, वो बस तो वो क्या जो गैप है ना, वो भी कहीं ना कहीं हमारी राजनीति को प्रभावित कर रहा है। कि मतलब गढ़वाल वाला नेता है तो हम बड़े हैं, कुमाऊँ वाला है तो हम बड़े हैं। तो इस ईगो भावना से जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे राज्य के विकास को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है जी, बहुत अच्छा है। अब थोड़ा सा यहाँ पे जैसे और भी हम बात करें, नेतृत्व की बात करें, और जैसे बनाने में, उत्तराखंड को बनाने में जो है उत्तराखंड क्रांति दल का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन आज वो कहीं भी नहीं है। जबकि हम अदर स्टेट में देखें, जैसे यूपी में अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी है, उससे पहले आपकी बसपा थी। अगर हम आपका इधर चले जाएं, आपका पश्चिम बंगाल में वहाँ पे टीएमसी है। अगर हम आपका साउथ में, महाराष्ट्र अगर मैं चले जाएं, पे शिवसेना है या आपकी शरद पवार उनकी पार्टी है। केरल वगैरह में तो वहीं की लोकल जो पार्टियां हैं, डीएमके है, चाहे वो है। तो उत्तराखंड में क्या ऐसा रह गया जो आपका जो उत्तराखंड क्रांति दल है, जिसने इतनी मेहनत करी, जैसा अभी आप कह रहे थे कि बनाया खाया बनाया मकान बनाया किसी और रहने कोई और आ गया, तो वो क्या कारण आप देखते हैं उसके पीछे? देखिए, भारत की राजनीति में एक सबसे बड़ा जो मेन रोल है क्षेत्रीय दलों का बहुत ज़्यादा हो गया। खासतौर पे जब 1970 के बाद से जब गठबंधन की राजनीति का दौर शुरू हुआ, गठबंधन राजनीति एक तरफ से चेक एंड बैलेंस का काम करती है राजनीति में। और उसमें गठबंधन राजनीति में एक चीज़ देखा है कि सबसे ज़्यादा जो भूमिका होती है वो क्षेत्रीय दलों की होती है। और क्षेत्रीय दलों का जो उद्भव होता है या ओरिजिन होता है उनका, वो जो क्षेत्र की जन समस्याएं हैं उनको लेकर होता है। और वो उस क्षेत्रीय दल में वही लोग होते हैं जो उस क्षेत्र की समस्याओं से अवगत होते हैं, या जिनको क्षेत्र की जनता का जनाधार होता है, जिनके पास, वो लोग उस पार्टी में शामिल होते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड का जो राज्य आंदोलन चला था, राज्य आंदोलन में 1970-80 के दशक से जो यूकेडी ने जो काम किया, उन्होंने
अपना पूरा एक समर्पण भाव से काम किया था। और जब 2000 में राज्य का निर्माण हुआ तो जो ये पार्टी में जो बिखराव आया, वो बिखराव क्यों आया, क्योंकि सब अपना अवसर ढूंढ रहे थे, अवसर ढूंढ रहे थे। इससे क्या हुआ कि जो UKT है वो एक लीडरशिप क्राइसिस से गुजरने लग गई। जब तक नेतृत्व अच्छा नहीं होगा, एक सक्षम नेतृत्व नहीं होगा, तब तक उसके नीचे जो काम करने वाले लोग होते हैं वो कब कौन किधर चला जाएगा किसी को नहीं पता चलता। वैसे भी राजनीति में राष्ट्रीय पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, राज्य पार्टी हो, सबको आजकल तो वैसे भी अपने अपने कार्यकर्ताओं को संभालना बहुत टफ हो गया। दूसरी चीज़, लीडरशिप क्राइसिस के बाद दूसरा जो मैं UKT में मानता हूँ, वो मानता हूँ कि इनका जो एक फाइनेंशियल सपोर्ट है, क्योंकि लोकतंत्र आजकल बहुत महंगा हो गया। आजकल लोकतंत्र एक जैसा वो कर सकता है, लेकिन अब मुझे जो लगता है ऐसा नहीं रह गया। आप खुद ही देख लीजिए, अगर आप हैं, हम हैं, चुनाव लड़ने लग जाएं, हम एक बाइक से जाएंगे या एक कार से जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा हमें। लेकिन जब हमारे पीछे आगे कई फॉर्च्यूनर गाड़ियां, वोल्वो गाड़ियां गुजरेंगी, सामने वाले को लगेगा कि ये बहुत ऊंची हस्ती है, तो लोग उधर की ओर अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। तो गलती कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो मास है हमारा, जो जन समुदाय है, उसकी भी है कि वह अपने घर के बगल पड़ोस में कौन रह रहा है उसको ना पहचान के, दूर कौन रह रहा है उसको पहचानने के पीछे लगे रहे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्या, जनाधार जो है ख़त्म होते रहा। और उस जनाधार ख़त्म होते होते क्या हुआ कि इनके जो फाइनेंशियल एड है उसके UKD की, वो भी कहीं ना कहीं उसके बाद सीमित होती गई। बिना वित्तीय सपोर्ट के, फाइनेंशियल सपोर्ट के, कोई भी पार्टी आज लोगों के बीच अपनी पैठ नहीं बना सकता। ये जग जाहिर हो चुका है। हाँ, बिल्कुल। इससे आप और हम छुपे हुए नहीं रह सकते। हालांकि सैद्धांतिक रूप से ये चीज़ें सब ऑन पेपर तो पैसे खर्च, हाँ, एक लिमिट है उसकी भी, लिमिट है। हाँ, तो इसलिए क्या है कि UKD ने जो एक नेतृत्व को संकट आया, जो वित्तीय संकट आया, जो जनाधार खोते गया, उसकी वजह से स्थिति ऐसी हो गई कि इस बार की विधानसभा में तो शायद कोई सीट भी नहीं है, सीट भी नहीं है, नहीं है, ऐसी स्थिति हो गई है। तो जो UKT है, और मैं मानता हूँ कि जैसे हमारे साथ साथ झारखंड का हुआ था उद्भव 15 नवंबर 2000 को, वहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि एक वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है, वो अधिक समय तक सत्ता में वही रही, और उसी ने राष्ट्रीय आंदोलन में नेतृत्व, वो सॉरी राज्य आंदोलन में नेतृत्व भी किया था। लेकिन हाँ, उन्होंने क्या किया कि जो उनका लीडर्स था, उन्होंने किसी और को उत्तराखंड की राजनीति को अपनी प्रभाव छोड़ने ही नहीं दिया, और वो उसमें कायम भी रहे, सक्सेस भी हुए। इस वजह से क्या, वो आगे बढ़ गए। ऐसी दक्षिण की बात कर रहे थे आप, जैसे DMK, AIDMK, अब आप लगा दीजिए स्वतंत्रता के बाद से या जब से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वगैरह ये सब राज्य बने हैं, मुझे लगता है कि इन्हीं दो क्षेत्रीय दलों के बीच अदला बदली चलती रही। बिल्कुल। कभी DMK, कभी AIDMK, इस तरह से करके। अब उन दलों ने क्या किया, उससे बाहर कदम रखने की कोशिश नहीं करी उन्होंने, और उन्होंने अपने क्षेत्र या अपने राज्य को सीमित दायरे में रखकर और उसी में अपना जनाधार को मजबूत बनाए रखा। और ऐसी महाराष्ट्र में शिवसेना ने किया था, उन्होंने भी अपना महाराष्ट्र के अंदर ही अपना जो जनाधार है उसको मजबूत करने की कोशिश करे। तो कहीं ना कहीं मैं मानूंगा कि जो UKD है उसमें संगठन नेतृत्व का अभाव तो है ही, साथ में संगठन को मजबूत करने की ज़रूरत है, और संगठन को धरातल पे से गठित करना होगा, धरातल से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि 25 सालों में स्थितियां काफ़ी बदल गई हैं। मैं जैसे कभी पब्लिक प्लेसों में जाता हूँ, बसों में जाता हूँ, ट्रेनों में जाता हूँ, मैं कई बार देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि यार इससे अच्छा होता उत्तराखंड राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया होता, या UP के अंदर ही रहने दिया होता, कई लोग कहते हैं इस तरह से। इसका मतलब है उत्तराखंड का एक वर्ग ऐसा है जो आज थका हुआ महसूस कर रहा है। तो इसलिए क्या है कि आने वाले समय में हो सकता है कि UKD कुछ काम कर जाए। अच्छा, हम आशा तो यही करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। और लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि अन्य दल ना रहें, राजनीति में स्वच्छ प्रतियोगिता के लिए अन्य दलों का होना भी जरूरी है। और
राष्ट्रीय दलों का ये रहता है कि राष्ट्रीय दल क्या होते हैं कि जो पॉलिसी मेकिंग्स होती है, प्रोसेसिंग होती है, उसमें एक तेज़ी लाने का काम करते हैं, क्योंकि उनका ऊपर से नीचे तक पूरा ये हायरार्की होती है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करने लग जाते हैं। और क्षेत्रीय दलों को क्या होता है कि हर चीज़ क्षेत्र से ही लेकर चलना होता है, इसलिए उनको उभरने में टाइम लगता है। अब यहाँ पे क्या है कि UKD की वो, अब इतना तो मेरे को भी जानकारी नहीं है कि उनका व्यक्तिगत क्या था, वो तो हर पार्टी का अपना व्यक्तिगत मैनिफेस्टो होता है, मैनिफेस्ट कार्यप्रणाली होती है। तो ये हम तो ये केवल जो सुना होता है, देखा होता है, पढ़ा होता है, उसी से एनालिसिस करते हैं, हम वही में भी करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ये आपने जैसे देखिए यही प्रॉब्लम है कि हमको UKD के बारे में पता ही नहीं है। जैसे भी लोकसभा में बात करें, हमारी गली में अगर हम बात करें, जब लोगों से बात हुई थी तो हम सबको ये लगता था कि एक दो लोग ही होंगे, लेकिन जब वहाँ पे EVM में देखें तो वहाँ पे 8-10 नाम है, बाकी ये 7-8 नाम कौन थे, किस पार्टी के थे, ये भी नहीं इवन हमें पता है, तो हम कहाँ उस पर हम वोट लगाएंगे। वही चीज है ना कि पब्लिसिटी नहीं कर पाए ना। आजकल मार्केटिंग का जमाना है, पता ही नहीं था कि 8-9 नाम और भी है। आजकल मार्केटिंग ऐसी है कि आप किसी चीज़, कोई चीज़ गलत है उसको सही है करके प्रचार कर दोगे तो सब लोग मानने लग जाएंगे। बिल्कुल, एक नैरेटिव डेवलप कर लेते हैं लोग। तो वही चीज़ है यहाँ पे, वो संगठनात्मक की कमी रही है शायद, जहाँ तक है।